लिक्विड के केस बता दिए थे, है ना, लिक्विड लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड के केस बता दिए, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम अभी, और एक न्यूमेरिकल भी करा दिया था। अब आई न्यूमेरिकल करने आगे, थ्योरी सबने पढ़ रखी है, थ्योरी हमारी जो इंपॉर्टेंट वाली है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये सबने पढ़ लिया ना ढंग से। अच्छा अभी कल तक का काम किस किसने कर लिया है? एक अनन्य ने कर लिया, और किसने किया है कल तक का काम? किस किसने कर लिया है? किस किसने कर लिया काम कल? नुमेरिकल लिख लो, और ये क्या नाम है, रितिका, और ऐसा ही होता है 50 बच्चे होते हैं, रिजल्ट आता है सिर्फ 5-6 का, ये रीजन यही है, बाकी काम नहीं करते, काम करोगे तो रिजल्ट आएगा बेटर। अच्छा क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 9.8% H3PO4। देखो अभी जो जैसे ही टाइम मिल रहा है मैं क्लास ट्राई करता हूँ तुम्हारी, ले लूँ क्लास, मेरे को सिलेबस कहा है कि सिलेबस जल्दी खत्म हो और तुम लोग भी काम करो। अभी कल से एक ड्रॉपर्स का और एक 11th का बैच भी स्टार्ट हो रहा है कल से, फिर टाइम थोड़ा कम मिल जाएगा और तो दिक्कत आएगी ना, इसलिए जितना मेरे को टाइम मिलता है मैं करवा रहा हूँ तुम्हें काम, इसलिए इसको करो ढंग से। चलो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 9.8% H3PO4 बाय मास, डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर H3PO4 बाय मास, बाय मास डेंसिटी दे रखिए 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट वॉल्यूम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट यूज। निकालो देखते हैं किसने गलत आंसर, फास्ट करना थोड़ा।
हाँ कर लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लिया सबने कि नहीं? अनन्या क्वेश्चन हो गया जैसे कर लिया था। कर लिया, चलो बताओ कैसे किया। बोलो आने। सर श्योर नहीं हो रही है। हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं बताऊं? कशिश। नाम बोलो पहले। हाँ कशिश बोलो। सर पहले तो H2SO4 का मोलर मास आ गया 98 ग्राम, तो पहले तो H3PO4। यस सर। अच्छा बोलो बोलो। यस सर, तो फिर वो उसके बाद इसको यूज करके परसेंटेज गिवन है और डेंसिटी गिवन है, तो मोलारिटी निकालनी, मतलब गिवन वेट। यस सर, वो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000, वो वाले फॉर्म 1000 बिल्कुल लगा सही, के। उससे M1 निकल जाएगा। हाँ ध्यान देंगे, यस कशिश सर, सही है। 9.8% H3PO4 है, 9.83% H3PO4 बाय मास, मतलब 9.8 ग्राम H3PO4 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। 9.8 ग्राम H3PO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम निकल जाएगा इससे। तो यहाँ पे लगा देंगे सिंपली M1V1 = M2V2। एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन बनानी है पानी को ऐड करके, यानी पानी जरूरी नहीं, पानी ही हो, सॉल्वेंट को ऐड करके बनती है। तो M1 क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं 9.8 अपॉन में 98 इंटू 100 अपॉन में 1.2 इंटू 1000, ये M1 है। एक मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन में आगे मैंने दिया नहीं है एक टर्म। तो इस सर आपने रिक्वायर्ड टू वॉल्यूम नहीं प्रिपेयर, दी। हाँ वॉल्यूम नहीं दे रखा है। इस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर से यहाँ पे 2 लीटर ले लेते हैं, 2 लीटर ऑफ, क्योंकि दो अननोन हो जाएंगे ना इसमें। तो नहीं समझ आई बात? सम्यक यस सर, वही डाउट आ रहा था सर। बोला क्यों नहीं? हाँ पहले क्यों नहीं बोला? सर वो मैंने 1000 ले लिया कि वो परसेंटेज गिवन अच्छा है ना। चलो, नहीं, इससे नहीं होगा। इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ, क्योंकि सॉल्वेंट का पूछा ना मैंने, ऐसे निकाल नहीं सकते। चलो 1000 लेके निकाला है तो बात अलग है, 1000 के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। इंटू V1 इज इक्वल टू M2, M2 कितना आएगा, 19.6 बाय 98 इंटू 100 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 1000, यानी 10³। और वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, 2 लीटर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लीटर में ही आंसर आएगा फिर। तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान देंगे 98, 100 कैंसिल, 10³, 10³ कैंसिल, और 1.6 है ये, 9.8 से 2 से जाएगा, 1.2 है, 3/4 आ जाएगा ऊपर, है ना, ये 4³ था, 4/4 था, कितना आ गया यहाँ से वॉल्यूम, कितना आया निकाला है, सर 48/11 हो जाएगा। 48/11। चलो 48/11 आ गया, यानी 4 पॉइंट, नहीं नहीं सर 1.2 है, सॉरी। सर 16/3 आ रहा यस सर है। 16/3। यस सर चलो 16/3 आ गया, 5.3 लीटर मान रहा हूं, अप्रोक्सीमेट 5.3 लीटर आ गए। यस सर। कोई डाउट किसी को? ये आ गया 5.3 लीटर, वॉल्यूम कितना आ गया, 5.3 लीटर, 5.3 लीटर आ गया। तो 5.3 लीटर जब वॉल्यूम आ गया, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 5.3 लीटर, यानी इस सॉल्यूशन से अगर ये वाली सॉल्यूशन बनानी है, ये वाली सॉल्यूशन बनानी है, तो हमें कितना सॉल्वेंट ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, फाइव देखा ना, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन, थ्री पॉइंट रिक्वायर्ड थ्री टू प्रिपेयर लीटर 2 लीटर ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। तो क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट को ऐड करना है, विपराइज करना है, सर, विपराइज ऐड करना। करना है, ऐड नहीं करना नहीं देखो एक बार अंदर से क्वेश्चन है। पढ़ो, वेपराइज विपराइज कर लिए। करना है, विपराइज, नहीं समझे, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन टू प्रिपेयर 2 लीटर, 5 लीटर से 2 लीटर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वेपराइज नहीं समझ आ रहा अभी,
5 लीटर से 2 लीटर बनाना तो क्या करना पड़ेगा प्राइस, तो ये तो आंसर आ गया वॉल्यूम सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा हो, और ये ऑप्शन में जरूर होगा, इसीलिए ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नीड टू बी वेपराइज, दिस विल बी इक्वल टू 5.3 लीटर माइनस 2 लीटर दैट इज 3.3 लीटर, समझ आया कि नहीं है, 3.3 लीटर आ जाएगा, आगे समझ के नहीं? यस सर आ गया। अब उसके बाद एक टर्म और बोलिए मैंने, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा ये बताओ, किसने निकाला है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कैसे निकलेगा ये निकालो जल्दी से, निकालिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिया कि नहीं, चलो देखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, पहली सॉल्यूशन का मास कितना होगा, पहली सॉल्यूशन थी 5.3 लीटर, 5.3 लीटर इंटू डेंसिटी है 1.2, सॉल्वेंट का मास निकालना है ना, ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, इधर सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो 5.3 लीटर था यानी 5300, चलो इसको 5.3 बाहर लगा देंगे, टंकी और 3 लगा देंगे, 5.3 इनटू 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में माइनस 2 लीटर कितना है, 2 लीटर है, 2 इनटू 1.6 इंटू 10³, ये आ जाएगा मास सॉल्वेंट, समझ आया कि नहीं, ये पहली सॉल्यूशन का मास माइनस दूसरी सॉल्यूशन का मास, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज व्हिच नीड्स टू बी वेपराइज, आया था उसकी नहीं, ये कैसे सोच रहा है समझ आ गया कि नहीं, सम्यक? यस सर आ गया, समझ आ गया, और बाकी बच्चों को समझ आया कि नहीं, ये कितना सॉल्वेंट का मास है जो वेपराइज करना है, ये आना चाहिए सबको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए, नोट कर लेंगे क्वेश्चन इसी में, देखो तुम्हें निकालना है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 9.8% H3PO4 बाय मास, चलो H3PO4 की जगह यहाँ पे H2SO4 लिख लेते हैं, H2SO4 बाय मास
डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 9.8% H2SO4 बाय मास, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 19.6% H2SO4 बाय मास, डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आर मिक्स्ड। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, निकालो, कैलकुलेट फाइनल मोलैरिटी, देखते हैं ये किससे निकलता है। और आगे भी लिख सकते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 1.4, कैलकुलेट स्मॉल m, करो ट्राई, कैलकुलेट स्मॉल m, सोच के निकालना, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। निकाल लिया आंसर, सर 2.2 मोलर, 2.2 मोलर। और मोलैरिटी भी निकाल ली? नहीं सर, अभी मोलैरिटी निकाल ली। अच्छा मोलैरिटी निकाल ली, चलो। चलो एक बार, किसने निकाला ये? सम्यक। सर 2.2 मेरे भी आ गया। आ गया
2.2. चलो देखो आंसर देखेंगे एक बार. देखो इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है, इक्वल वॉल्यूम मान लिया मैंने, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम वी था तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी वी. फाइनल मोलरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 2v m1v1 प्लस m2v2. तो और v1 v2 क्या है, v, ये भी v, m1 into v प्लस m2 into v. समझ आ गया कि नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं? तो v सारे कैंसिल हो गए, v कैंसिल. तो यहां से आ गया m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय 2. जब भी इक्वल वॉल्यूम बोला होगा तो इस तरह से सोच भी सकते हैं, नहीं तो ये कंसेप्ट निकालना पहले आंसर. अब m1 की वैल्यू सबको पता है कितनी थी, 9.8 अपॉन में 98 इंटू 100 अपॉन में डेंसिटी 1.2, ये मोलरिटी 1 निकल गई, इंटू 10^3 प्लस 19.6 अपॉन में H2O4 का मास भी 98 ही होता है, 98 इंटू 100 अपॉन में 1.6 इंटू 10^3 डिवाइड बाई 2. तो ये सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 2.2 आ रहा है. और डेंसिटी अब इसकी दे रखी है 1.4 और फाइनल मोलैलिटी पूछिए, निकाल लोगे कि नहीं इससे? यस सर, निकल जाएगी, निकल जाएगा ना, कंसेप्ट से निकालना. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, डेंसिटी 1.4 है, डी बाई कैपिटल एम 2.2 इज इक्वल टू 1 बाई एम, एम निकालना है, प्लस डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 98/1000. समझ गए कि नहीं ये न्यूमेरिकल? समझ आ गया सबको कि नहीं? देखो ये न्यूमेरिकल इवन मतलब जेई एडवांस लेवल पे पूछे हुए हैं, 6-6 मार्क्स में न्यूमेरिकल ऐसे. सो इजी न्यूमेरिकल है, बिल्कुल कंसेप्ट से करना है, रिवाइज इसलिए बोलता हूँ दो बार करने को, नए न्यूमेरिकल दो बार, पुराने वाले पिछले वाले एक बार जरूर कर लेना, बाद में इसका मौका नहीं मिलेगा, बाद में तुम नहीं करोगे इनको, एक बार ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया फिर ईजी लगेगा आगे न्यूमेरिकल भी. नेक्स्ट नोट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये देखो किससे निकलता है, गिवन 20% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर. करो ट्राई.
हाँ किसी से हुआ है क्वेश्चन? सो 4.1 मोलर। 4.1 मोलर, यस सर। चलो देखते हैं। अनन्या का 3.2 और 4.07, देखते हैं। अनन्या मेरे को बताओ बताओ इसमें सॉल्यूट का मास कितना है? अनन्या सॉल्यूट यस सर, मैंने का मास H2O ले बोलो लिया था, कितना है? हमने 80 ml, फिर उससे H2O का वेट निकाल लिया 80 ग्राम, सर फिर सॉल्यूशन का वेट निकाला, फिर उस वेट सॉल्यूशन का निकाल वेट कितना है? सर नाइन्टी सॉल्यूशन का वेट फाइव कितना आया, है? बहुत 95, सर अच्छे, 102.95। हाँ फिर वेट और निकाला 15 ग्राम, हाँ कितना आया? हाँ 15 फिफ्टीन ग्राम ग्राम फिर हाँ उसके अनन्य ये बाद बताओ मेरे को भाई, अनन्य 20% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? 20% का 20 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। अनन्य ऐसे आंसर दोगे तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत अच्छे अनन्य, ऐसे ही आंसर देना हमेशा। अब ओके देखो सर, सर, हाँ देखो, 20% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम, पहले भी मैंने तुम्हें बता रखा है 20% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम बोला है, मीन्स 20 ml इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 20 ml सोल्यूट 100 ml सोल्यूशन के अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? 20 ml, जिसका कोई नीड नहीं है। मेरे को तो क्या चाहिए? मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, और सोल्यूट की डेंसिटी भी नहीं दे रखी, सोल्यूट की डेंसिटी भी नहीं दे रखी। इसका मतलब सोल्यूट का मास तो इस पॉइंट से नहीं निकलेगा। अगर सोल्यूट की डेंसिटी दी होती तो मैं उससे डायरेक्ट निकाल लेता मास, अभी नहीं निकल सकता। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दे रखा है कितना? 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। क्यों? क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन बोला हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 80 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 80 ml है, या मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ H2O भी 80 ml, 80 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 100 × डेंसिटी कितनी किसके सॉल्यूशन की? 0.95, 95 ग्राम्स। 95 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, 80 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी इथेनॉल ये आ जाएगा 95 - 80, 15 ग्राम। 15 ग्राम आ जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 15 ग्राम। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, अगर अब इसका क्या निकाल लेंगे? मोलरिटी, कोई भी चीज निकालनी है सब निकल जाएगी। मोलरिटी क्या होगी? 15/46 इथेनॉल का वेट, इथेनॉल होता है C2H5OH, तो 46 आ जाएगा, इनटू मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml इनटू 1000, ये मोलरिटी आ जाएगी। और मोलरिटी 15/46 इनटू सॉल्वेंट का मास 80 इनटू 1000, 46 आएगा, 15/46। आगे समझ के नहीं है? चेक करो, ऊपर कोई डाउट है तो पूछो इसमें। देखो समझ आ गया कि नहीं? किसी को पूछना तो पूछ सकते हो दोबारा। चलो नेक्स्ट ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट ट्राई करना है, इसको ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार कराया हुआ क्वेश्चन। 60% H2O4 बाय मास हैज डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 60% H2O4 में मास डेंसिटी थी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट इट्स परसेंटेज इफ डेंसिटी बिकम्स डेंसिटी रिड्यूसेस टू इट्स परसेंटेज इफ डेंसिटी बिकम्स 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक्वा सॉल्यूशन है, निकालो क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ढंग से निकालना है।
चलो कर लिया क्वेश्चन। हाँ किसी ने निकाला आंसर का? देखेंगे इधर, देखो डेंसिटी दे रखी है 45%, देखते हैं अभी। हाँ हो सकता है डेंसिटी रिड्यूस की है परसेंटेज, हाँ कम हो जाएगी, देखते हैं एक बार। देखो डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 60% मतलब 60 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 60 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में डेंसिटी है 1.6, तो 1.6 × 100/V आ जाएगा पहले पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट में वाटर हमने ऐड किया होगा तो डेंसिटी कम हो गई, परसेंटेज निकालनी है ना जब डेंसिटी इतनी हो जाती है, तो वाटर ऐड किया डेंसिटी कम हो गई, वाटर जितना ऐड किया मान लो मैंने एक्स ग्राम वाटर ऐड किया, तो 100 + x / V + x आएगा, कोई डाउट किसी को? ये आ जाएगा, बस अब इधर v की वैल्यू पुट कर दो 100 / 1.6 आ जाएगी, बस आगे स्टार्ट कर रहे हैं अभी।